परांठे तो आपने बहुत खा लिए होंगे, बट आई एम श्योर जो आज मैं परांठा बना रही हूँ ना वो पहले नहीं खाया होगा। तो आज हम बनाएंगे ना कॉर्न एंड चीज परांठा। सो इसके लिए सबसे पहले थोड़े से आपने फ्रोजन कॉर्न्स या जो नॉर्मल कॉर्न्स अगर हैं वो ले सकते हो, फ्रेश कॉर्न्स। तो मैंने हाफ कप ये फ्रोजन कॉर्न्स लिए, इसको अच्छे से वॉश करना है। सो अब पानी ले लें एक बोल में और जो कॉर्न्स वॉश किए हैं उसको इसमें ट्रांसफर करें और माइक्रोवेव करें 1.5 से 2 मिनट के लिए, और ये कॉर्न्स को आपने बॉयल करना है। सो ये कॉर्न्स बॉयल हो चुके हैं, अब ये सारा पानी आप ड्रेन कर लें और इसकी एक पेस्ट बना लें, ट्रांसफर करें इसको ग्राइंडर जार में। सो कुछ इस तरह का। सो इसमें ऐड करें एक ग्रीन चिली चॉप करके, साथ ही में ऐड करें थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स दें। सो ये एक परांठे का मिक्सचर रेडी हो रहा है। तो अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो कॉर्न्स की क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ा लें। सो अब एक आटे का पेड़ा लें और इसको पूरी के साइज जितना बेल लें। सो अब इस मिक्सचर को रोटी में स्प्रेड करें, साथ ही में ऊपर रखें एक चीज स्लाइस। तो अगर ये नहीं है तो आप मोजरेला चीज जो होता है डाइस्ड वो भी रख सकते हैं। तो अब रोटी को आपने ऐसे बंद कर लेना है जैसे स्टफ्ड परांठा बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ आपने करना है। तो बहुत सॉफ्टली आपने इसको बेलना है। सो कोशिश करें जितना आप हाथ से इसको स्प्रेड कर सके कर लीजिए, और अब हल्के हाथों से ऐसे बेलन के साथ इसको बेलें। सो अब इसको गरम गरम तवे पे सेकें और साइड्स पे थोड़ा सा घी अप्लाई करें, थोड़ा सा घी ऊपर भी, ताकि ये साइड जो है ना वो चिपके ना। सो अब साइड को करें चेंज और इधर भी थोड़ा घी लगाएं। सो ऐसे ही आपने दोनों साइड्स कुक करनी है। और ये कॉर्न एंड चीज़ परांठा तैयार है।